आज के टाइम पे सब कुछ स्मार्ट हो चुका है, वो भी बजट में, तो हमारा बैकपैक क्यों नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे आर्टिक हंटर स्मार्ट बैग की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और मेरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये अराउंड 3 पॉलीथीन के अंदर रैप होकर आया था, जिसके कारण जो है इसकी प्रोटेक्शन बहुत बढ़ जाती है और हमें यूजली ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो इसका फर्स्ट लुक एंड फील मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे ऊपर आपको पॉलिस्टर फैब्रिक मिल जाता है, जो इस चीज़ को वाटर रेजिस्टेंस, स्प्लैश रेजिस्टेंट बनाता है। अगर मैं इसको अंदर साइड से खोल के दिखाता हूँ तो इसमें आपको टोटल 5 कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी बड़े कंपार्टमेंट हैं, और हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। अगर मैं इसको पीछे से दिखाऊँ तो पीछे से भी आपको बिल्कुल प्रीमियम लुक आपको देता है, ब्लैक कलर में है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है। तो भाई आप पीछे से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, और दोनों शोल्डर्स में जो है आपको अलग अलग जिपर मिलेगी, और जिपर में कुछ ना कुछ रखने की हमें चीज़ें मिल जाएगी। जैसे इस राइट जिपर में हमें जो है वाटर बॉटल रखने के लिए एक अलग से पाउच दिया है, जो कि अंदर चला जाता है। और अगर मैं दूसरे शोल्डर की बात करूँ तो उस पर आपको जो है की रखने के लिए एक अलग से है हुक दिया रहेगा, जिसमें आप की को एडजस्ट करके रख सकते हैं, और वो भी सीक्रेटली। तो ये जो पीछे का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज किया गया है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके शोल्डर्स और इसके कुशंस की, तो ये भी काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको जो है एक जिपर देखने को मिल जाएगा, जो कि सीक्रेटली रखा गया है। इसमें आप अपना कोई भी सीक्रेट सामान, जैसे कि अपने पैसे, वॉलेट, ये सब जो है इसके अंदर आराम से रख सकते हो। तो ये जो जिपर था वो मुझे काफ़ी अच्छा और मेरा पर्सनल फेवरेट जिपर था। अब अगर मैं इसके लॉक की बात करूँ तो इसमें आपको TSA लॉक मिल जाता है, जिसको आपको नंबर वगैरह सेट करना पड़ेगा, और जो है आप लॉक अपने बैग को कर सकते हैं। तो अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं, और कुछ सामान भी इस बैग के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जाली वाला एक पाउच मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको ये बगल में एक वायर टंगा हुआ मिलेगा। इस ये वायर जो है वो काफ़ी यूज़फुल वायर है, इसके थ्रू अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। यहाँ से आप जो है आप USB केबल लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, और इसका जो एंड है जो कि ये है, इसमें आपको जो है पावर बैंक अपना लगाना पड़ेगा, और इस पावर बैंक को अपने इस पाउच में रख सकते हो, जो कि आप देख सकते हैं इमेज दी गई है पावर बैंक रखने के लिए। और ये जो एक इमेज अलग से दी है, इसमें आप पर्स वगैरह रख सकते हो। और ये जो एक कार्ड आप देखने को मिल रहा है, ये एक मैनुअल कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पाउचेस है ये काफ़ी बड़े हैं, और हर चीज़ रखने के लिए अलग अलग से पाउच, और आपको इमेज के साथ दिखाया गया है कि आप इसमें जो है टैबलेट और पैड, आईपैड रख सकते हो। और ये वाला जो है वो काफ़ी अच्छा है, और ये जो आपको सबसे बड़ा वाला कंपार्टमेंट दिख रहा है, इस पर आप 15 इंच तक का लैपटॉप आराम से रख सकते हो, और इसमें आपको इलास्टिक स्ट्रैप मिलेगी, जो आपके लैपटॉप को और भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाती है। अब अगर मैं इसके हैंडल की बात करूँ तो ये जो है बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सा हैंडल मिल जाता है, और अलॉय हैंडल है, कोई प्लास्टिक का हैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इस चीज़ को बहुत प्रीमियम। इस लैपटॉप को इस बैग के अंदर डालकर देखेंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस लैपटॉप का साइज़ 15 इंच का है, लेकिन एक गेमिंग लैपटॉप होने की वजह से इसका साइज़ और भी बड़ा और भारी है। अब हम इस लैपटॉप को अंदर डाल के देखते हैं कि ये इसके अंदर किस तरीके से आता है। तो आप देख सकते हैं बड़े नॉर्मल तरीके से ये लैपटॉप जो है इस बैग के अंदर चला गया है, और इसकी जो इलास्टिक दी गई है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेफ़्ट और राइट साइड में, उसको भी हम लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट हो चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम इसके अंदर जो है एक पोर्टेबल स्पीकर डालने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये जो एक बड़ा वाला कंपार्टमेंट है, इस पे एक आपको जाली वाला कंपार्टमेंट, छोटा कंपार्टमेंट मिलेगा, उसके अंदर हमने जो है स्पीकर को रख दिया है। अब हम अपना वॉलेट भी इसके अंदर रख देते हैं, तो वॉलेट के लिए अलग से जगह दी गई है। इसके अंदर जो है हम डीओ हुआ या कोई भी अदर चीज़ जो है वो भी आराम से इसको रख सकते हैं, तो वो भी हमने रख के देख लिया है। अब जो है हम इसमें अपने कपड़े वगैरह रख के देखते हैं, तो इसके ऊपर जो है आप आराम से बड़े वाले कंपार्टमेंट में अपने कपड़ों को फोल्ड करके रख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ अपनी 2 शर्ट्स को रख रहा हूँ, लेकिन आप बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आराम से रख सकते हैं, और इस तरीके से जो है ये फोल्ड होके बंद हो जाता है। अगर मैं इसके चार्जिंग सिस्टम की बात करूं तो ये जो USB पिन है, नॉर्मल USB पिन आपको इसके चार्जिंग स्लॉट में लगानी है, और जिस तरीके से आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं उसी तरीके से अपने फ़ोन को जो है इसके अंदर लगाना है। और आप देख सकते हैं जो मेरा फ़ोन है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको इसको जो है पावर बैंक के साथ अपने बैग के अंदर कनेक्ट करके रखना है।
अब अगर मैं बात करूँ इसके लॉक की, तो आपको इसमें TSA लॉक मिल जाएगा, तो इसमें आपको फर्स्ट टाइम लॉक सेट करना पड़ेगा, लाइक नंबर नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है लॉक का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर मैं इसके दोनों शोल्डर्स के जो ज़िपर थे उसकी अगर बात करूँ, तो पहले ज़िपर में आपको एक की होल्डर मिल जाएगा। ये की होल्डर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको एक अलग से स्ट्रिप मिलेगा, इसको आपको अपने की में लगाना है, उसके बाद जो है आप इसको स्ट्रिप को ऑन ऑफ कर सकते हो, लाइक इसको बाहर निकाल सकते हो और अंदर डाल सकते हो। इसके बाद जो इस की को है अपने एक ज़िपर के अंदर पॉकेट के अंदर रख के अपने ज़िप को आराम से लगा सकते हो। तो ये जो फंक्शनैलिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूँ, तो इसका जो प्राइस है वो 1600 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन से। तो मैंने इसकी जो लिंक है बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखी है, तो आप वहाँ से जाके इस बैग को परचेस कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट कहूँ, तो मुझे ये बैग जो है काफ़ी अच्छा लगा है। आपको एक बजट प्राइस के अंदर एक प्रीमियम लुकिंग बैग, उसके साथ साथ वाटर रेजिस्टेंस, स्क्रैच रेजिस्टेंस, एंटी थेफ्ट बैग आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा है। अगर आप लोग कोई स्मार्ट बैग खरीदना चाहते हो वो भी बजट में, तो इस बैग को जो है खरीद सकते हैं। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ऑसम वीडियोज़ जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।